का मातमी जुलूस के हवाले से आपसे बात कर रहे हैं। अराकीन असेंबली मोहम्मद वसीम अहमद और चेयरमैन बल्दिया वस्ती रिहान हाशमी ने शिरकत की। चेयरमैन रिहान हाशमी ये भी कहते हैं कि मुंतखब बल्दियात की क़यादत इंसानियत की खिदमत पर यकीन रखती है। मजीद उन्होंने कहा क्या कहा जान लेते हैं मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब आलम से। साकिब आलम बता दीजिएगा, इस हवाले से अपडेट कर दीजिएगा। साकिब बता दीजिएगा, न्यू कराची में आज़ादारा ने हुसैन की मातमी जुलूस के हवाले से साथ साथ ये भी बता दीजिएगा, आज कुछ लोगों ने वहाँ का शिरकत भी की, वहाँ तमाम सूरत हाल का जायजा भी लिया, अब आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखें बिल्कुल, न्यू कराची का जो नौ मुहर्रम अल हराम का जुलूस है वो न्यू कराची के इलाके सेक्टर 5E से जो है बरामद होता है, यूनियन कमेटी नंबर 7 है और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ 11D में जाकर के ये जुलूस इख्तिताम पज़ीर होता है। जुलूस के जितने भी शुरका हैं उनको बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए बल्दिया वस्ती के ज़ेर एहतमाम न्यू कराची 5 नंबर पे इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था, जहाँ पे पानी और शरबत की सबील कायम की गई थी, जबकि मुंतखब नुमाइंद बल्दिया वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी साथ ही साथ MPA वसीम अहमद व दीगर अराकीन असम्बली भी जो है वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जुलूस के शुरका का इस्तकबाल किया और उन्हें मुकम्मल तरीके से जो बल्दियाती सहूलियात होती हैं वो तमाम तर वहाँ पे फराहम की गई हैं। सिर्फ ये बात न्यू कराची की नहीं है बल्कि बल्दिया वस्ती के जेर एहतमाम 5F में इसके अलावा काले स्कूल न्यू कराची, इसके साथ साथ अंचो आयशा मंजिल और दीगर मुकामात पर भी जो बल्दिया वस्ती के मुंतखब नुमाइंदे हैं वो मुख्तलिफ अंदाज से सड़कों के ऊपर मौजूद हैं इस वक्त भी, और जितने भी मातमी जुलूस जो बरामद हो रहे हैं उन तमाम तर जुलूसों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी की जानिब से जो बयान आया है उनका ये कहना है कि हमारी अवलिन तरजीहात में शामिल है कि आज़ादारों को भरपूर तरीके से सहूलियात फराहम की जाएँ। इस हवाले से मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है, जबकि दीगर जो महकमे हैं साथ ही इलेक्ट्रिक का महकमा है, इसके साथ साथ बल्दिया वस्ती के जो दीगर महकमे हैं वो तमाम तर इस वक्त ऑन रोड हैं। किसी भी किस्म की कंप्लेन अगर चेयरमैन बल्दिया वस्ती को मौसूल होती है तो उसके ऊपर रैपिड रिस्पांस देते हुए वो कंप्लेन जो है दूर कराई जाती है, चाहे वो किसी जगह पे सेवरेज का पानी आ जाए या रोड का मसला हो, कचरे का मसला हो, या फिर कहीं पे स्ट्रीट लाइट अगर खराब हो जाए तो फौरी तौर पर तमाम तर स्नार्कल्स मौजूद हैं, तमाम तर मशीनरी सड़कों के ऊपर मौजूद है, सैनिटेशन स्टाफ सड़कों के ऊपर मौजूद है जो जुलूस के आने से कबल तमाम तर रूट को जो है स्वीपिंग करता है, क्लियर कराता है, उसके बाद जुलूस जो है वो बरामद होता है। साथ ही साथ जो दीगर मुकामात हैं जहां पे बाकायदा तौर के ऊपर कैंपिंग नहीं की गई है, लेकिन वहां पर भी जो यूनियन कमेटी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन काउंसिलर हैं वो सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। जरूर ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब आलम आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जाने